राम राम जी सभी को, कैसे आप? सब आशा करता हूँ सारे भाई अच्छे होंगे। भाई एक टॉपिक के ऊपर वीडियो पूछनी थी मेरे को। पूछना ये है कि भाई बनाऊं या ना बनाऊं, कई दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले भाइयों से पूछ लेता हूँ, क्योंकि ब्रीडर भाई है जो वो ये ना कह दें कि यार ये गलत कर दिया आपने। और वीडियो है इस पर कि भाई जो टैक्सी में बच्चे जाते हैं, चाहे वो दिल्ली, चाहे वो पंजाब, चाहे वो बिहार, कहीं भी, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे भाई ये कहेंगे कि यार क्यों किसी के पेट के ऊपर लात मारते हो। देखो, मैं पेट के ऊपर किसी की लात नहीं मारना चाहता। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों की सलाह ले रहा हूँ, जितने भाई यस करेंगे, ज़्यादा यस हुए तो उसके अनुसार वीडियो तो बनेगी भाई, और ज़्यादा नो हुए तो फिर नहीं बनाएंगे हम। क्योंकि देखो, धोखा तो सबसे पहले आप लोग कर रहे हो उनके साथ, क्योंकि कस्टमर जोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन कस्टमर के पास लाखों दुकानें खुली हैं, वो जहाँ मर्जी से पपी खरीद सकता है, लेकिन आपके ऊपर भरोसा करता है और आप उनके साथ फिर गलत करते हो, है ना? अब क्योंकि उनकी एक उम्मीद होती है, वो अपने लिए एक बच्चा खरीदना चाहते हैं, अपना घर का मेंबर खरीदना चाहते हैं, और उसके साथ ब्रीडर गलत कर देते हैं, या टैक्सी वाले भी गलत कर देते हैं। लगभग मतलब गलती है ब्रीडर की ही है इसमें, क्योंकि जो बाहर टैक्सी में बच्चे जाते हैं, जैसे पंजाब से निकलते हैं, हरियाणा से निकलते हैं, तो वो असम, गुवाहाटी, गुजरात, कलकत्ता, तमिलनाडु, उड़ीसा, मद्रास, हर जगह जाते हैं, है ना? तो कई भाई गलती कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कस्टमर को ये समझ में आए कि भाई बच्चा टैक्सी में क्यों ना मंगवाए। तो अपनी राय जरूर देना भाई। जितने भाई वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को शेयर तो कर दियो, क्योंकि देखो ब्रीडर की है ना लाइफ है ये, ब्रीडिंग जो कर रहे हैं। लेकिन मैं सबकी सलाह लेना चाहता हूँ, आप अपना अपना सजेशन दीजिए, वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि टैक्सी में मैं बहुत गलत मानता हूँ और लोगों के पैसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं इसमें। जैसा भी कहोगे वैसे कर लेंगे। चेहरा